तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है, आपका स्वागत है TYG सॉफ्ट गुरु के बिल्कुल फ्रेश कुमार के सभी शोट के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और एक छोटा सा रिव्यू करेंगे इस न्यू DTH या फिर आप कह दो एक MPGE4 सेटअप बॉक्स का, क्योंकि आपको पता होगा कि फाइनली मार्केट में जो आपको सेटअप बॉक्स मिल रहा है उसके अंदर आपको डी स्कैन और शेयरिंग कोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बट इस रिसीवर के अंदर आपको वो सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं जो कि आपको उन रिसीवर में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, चलिए फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है इसके बॉक्स के अंदर। एंड मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसके अंदर डी स्कैम को। जी हाँ दोस्तों, इस रिसीवर में आपका डी स्कैम वर्क करता है जो कि आपको 3 मंथ के लिए फ्री एक्टिवेट मिलता है एंड इसके अंदर आपको शेयरिंग का ऑप्शन ही मिल जाता है। सो दोस्तों, पहले अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग करें तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को कभी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें अगर हम इस सेटअप बॉक्स के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर एक सेटअप बॉक्स जो कि एक MPGE4 सेटअप है, जिसके यहाँ पे आपको लिखा गया है फुल HD 4K साथ ही YouTube 4K और भी ऐसे बहुत सारे जिनको हम वीडियो के बाद में देखेंगे। उससे पहले बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक रिमोट के, एक अडाप्टर के साथ ही आपको एक ऑडियो वीडियो केबल दे दी जाती है। अगर मैं आपको इसका अडाप्टर दिखाऊं तो सिंपल सा अडाप्टर है जिसकी स्काई की ब्रांडिंग दी हुई है। साथ ही लिखा गया है 110 वोल्ट, 260 वोल्ट, 50 हर्ट्स एंड 12 वोल्ट 1 एम्पियर का अडाप्टर है। जो इसका रिमोट है वो गाइस, जो रिमोट आप देख पा रहे हो सिंपल सा रिमोट है जैसे सब रिमोट होते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे मैं रिसीवर को भाई निकालता हूँ, मैं पैकिंग से बाहर निकालता हूँ। दोस्तों जे रहा आपका वो सेटअप बॉक्स, वो काफ़ी चमकदार लगता है देखने में। एंड दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भैया कि हम इस सेटअप बॉक्स की पहचान कैसे करेंगे मार्केट में। तो दोस्तों बता दूं, जो आपका जे सेटअप बॉक्स है ये पूरा आपका प्लास्टिक की बॉडी में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आपको मेटल बॉडी में नहीं है, ये आपका फुल प्लास्टिक बॉडी में आता है। दोस्तों ये सिर्फ आपका कुछ ही कलर्स में आता है, लाइक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ नीला कलर, ये आपका एक पीला कलर में आता है और एक आई थिंक एक आपका रेड कलर में आता है। तो आप इस तरह इसकी पहचान कर सकते हो। एंड दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बताऊँ कि आपको इसमें किस तरह डी स्कैन करना है, उससे पहले मैं आपको बैक में कुछ दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे दी जाता है LMB इन सॉकेट, साथ ही आपको एक USB पोर्ट, एक HD आउट, 4 आपको इसमें ऑडियो वीडियो केबल के हैं, साथ ही आपको इसमें एक पावर के लिए एक DC 12 वोल्ट का ऑप्शन भी दे दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी TV की तरफ। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह इसको डी स्कैम को एक्टिवेट करना है इसमें। सो दोस्तों, मैंने अपना भाई पूरा फुल सेटअप कर लिया। एंड दोस्तों, मैंने सेटअप किस तरीके से किया तो बता दूं, मैं अपने ऑडियो वीडियो केबल से मैंने इसका सेटअप कर दिया है। एंड दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड करके दिखाऊं तो मैंने इसमें अपने वाईफाई डोंगल को भाई प्लग करके रखा हुआ, अगर आप देख पा रहे होगे इस चीज़ को, तो ये मेरा वाईफाई डोंगल है। एंड दोस्तों, अब चलिए पहले अपने TV तरह से कर लेता हूँ इसे। एंड ओके, सो दोस्तों अब आप इसमें अपना DSCAM और शेयरिंग कोड को कैसे चलाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने रिमोट के मेन्यू बटन को प्रेस करना है एंड जैसे आप प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा सेटअप खुल जाएगा। तो आपको जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसके सामने आपको चले जाना है, क्लिक ओके। पहले आपको अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर लेना। तो मैं अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर देता हूँ ऐसा यूज़ करके, अपने फ़ोन के वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज़ करके मैं इसके वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये कनेक्ट होता है तो फिर मैं बता दूँ आपको क्या करना है। एंड दोस्तों जैसे ही ये कनेक्टिंग चल रही है, एंड दोस्तों जैसे ही आपका कनेक्ट हो जाता है तो अब आपको क्या करना है कि पहले मैं एग्जिट कर देता हूँ, फिर मैं और एग्जिट कर देता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोड डालूंगा। आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको डालना है 6605, मतलब आपको यहाँ पे कोड डालना है 6605 एंड केबल का ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा। तो फिर आपको इस केबल में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सी करके, इस पर जाइए, इसे ऑन कीजिए और रेड बटन से इसे एक्टिवेटेड कर दीजिए। यहाँ पर नीचे लिख के आए कहीं प्लीज वेट लिख के आ जाएगा। एंड जैसे प्लीज वेट लिख के आए तो आपको फिर थोड़ा सा वेट करना है। एंड दोस्तों जैसे जब आपका प्लीज वेट हो जाएगा तो यहाँ पे एक डेट लिख के आएगी, जैसा कि यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑलरेडी एक्टिवेटेड और लिखा हुआ है 25/5/2020। एंड जब आप इसे एक्टिवेट करोगे तो लिख के आएगा रिचार्ज सक्सेस लिख के आएगा, अगर आप इसे पहली बार करते हो। एंड अगर आपको जैसे आप इसमें शेयरिंग इस्तेमाल करना है तो आपको ये मिल जाएगा इसमें शेयरिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आप अपने जो आपका शेयरिंग कोड होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दोस्तों मैं आपको पहले पेड चैनल चला के दिखाता हूँ। एंड जैसे मैं पेड चैनल चला के आपको दिखा देता हूँ, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ एक कार्टून का चैनल चला के दिखाता हूँ। ओके, तो भाई ये रहा कार्टून नेटवर्क। सो एंड गाइस, उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर जो आपका जिस सेटअप बॉक्स है इसमें आपके पेड चैनल वर्क करते हैं, बट गाइस आपको एक बार बता दूँ कि जो आपके चैनल है वो पूरे नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो फ्री वाला है तो गाइस इसमें पूरे चैनल नहीं आते हैं, इसमें आपके जो चैनल आते हैं वो गाइस थोड़े से कम आते हैं, बट दोस्तों काफ़ी हद तक बहुत सारे चैनल आ जाते हैं।
गाइस एक सेकंड आई थिंक। तो दोस्तों आप चलता हुआ देख पा रहे हो अपने स्ट्रीम के ऊपर कि भैया मेरे सारे पैटर्न चालू हो चुके हैं। अब ये चल क्यों रहे थे क्योंकि जो मेरा सर्वर उसमें थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था। एंड पहले मैं आपको मेरा सेटअप बॉक्स दिखा देता हूँ, वरना काफी लोग अभी बोलेंगे कि भाई तूने भाई अपना सेटअप बॉक्स को चेंज किया। देख सकते हैं ये वही सेटअप बॉक्स है जिसकी मैंने अभी अनबॉक्सिंग करी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भाई ये सारे चैनल आपके चालू हो चुके हैं। और मैं आपको बहुत सारे चैनल चला के दिखाने वाला हूँ। लाइक आप देख सकते हैं कि जैसे गाइस UTV मूवीज, HBO, मतलब आप देख सकते हो भाई बहुत सारे चैनल आपके चलते हैं। बट गाइस आपके पूरे चैनल नहीं चलेंगे, पहले आपको बता देता हूँ। एंड दोस्तों आप इस सेटअप बॉक्स की पहचान कैसे करोगे? तो पहली बात, जो इसका आपका एडाप्टर आता है उसमें आपका स्काई लिखा हुआ होगा। साथ ही जो आपके जो सेटअप बॉक्स होगा ये आपका गाइस ऐसे कलर्स में अवेलेबल होता है, मतलब कि जो उसके कलर्स होते हैं वो आपके बहुत सारे आते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है सेटअप बॉक्स के, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों ऑफिशियल अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो भैया मेरे अपने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आ रहे हो तो उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के उस बगल में बेल आइकन हिट करना। एंड कमेंट करके बताना क्या आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो। सो दोस्तों मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।